सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे दोनों ने ही दशहरा रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया है। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सत्ता के लालच में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से भी गठबंधन कर सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा कि लंका जलाने का समय आ गया है। मौका था असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव विजयदशमी का। दशहरे पर एक बार फिर सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे आमने सामने थे। सीएम शिंदे ने आजाद मैदान में रावण दहन किया और उद्धव ठाकरे पर तीखे हमले किए। वहीं शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिंदे पर करारा पलटवार किया। दोनों ने एक बार फिर से खुद को असली शिवसेना बताया और दूसरे को मौका परस्त और धोखेबाज। पहले देखिए मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में रावण दहन के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे रैली में मौजूद भीड़ देखकर कितने उत्साहित लग रहे हैं। माझे मीडियाच्या मित्रांना विनंती आहे की हे चित्र आपण आपल्या वाहिनींच्या माध्यमातून दाखवा, लोकांना कळू द्या, समोरच्यांना शिवसेना कुठे आहे, बाळासाहेबांची शिवसेना कुठे आहे। आजचा हा मेळावा आजाद शिवसेनेचा, आजाद मेळावा आजाद मैदानावर होतोय। इसके बाद सीएम शिंदे ने बाळासाहेब के हिंदुत्व एजेंडे के बहाने उद्धव पर जमकर निशाना साधा। काँग्रेसचे बाळासाहेबांनी वाबाडे काढले, ज्यांच्या ज्यांना कधी आपल्या जवळ उभं केलं नाही तो मणिशंकर अय्यर, याला बाळासाहेबांनी जोडे मारण्याचं काम केलं। जोडे मारले आणि त्याच काँग्रेसचे जोडे आज हे लोक उचलताय। आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतील तरी सुद्धा आश्चर्य वाटायला नको आपल्याला, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। आणि ज्या शिवतीर्थावर गर्व से कहो हम हिंदू ऐसा नारा दिला, तिथूनच गर्व से कहो हम काँग्रेसी है, गर्व से कहो हम समाजवादी है, गर्व से कहो हम हिंदुत्व विरोधी है। देखिए कैसे उद्धव ने राम और रावण के किरदारों को मौजूदा सियासत में ढाला और कह दिया कि लंका जलाने का समय आ गया है। अपना मेळावा झाल्यानंतर आपण इकडे खोकासुराचं दहन करणार आहोत। मुद्दा म्हणून एक नवीन आसूर, खोकासूर, रामाने रावणाचा वध केला कशासाठी केला? कारण रावण माजला होता। की ज्याप्रमाणे हनुमानाने रावणाची सोन्याची लंका दहन केली होती, तशीच तुमची खोक्याची लंका दहन करणाऱ्या धगधगत्या मशाली आज सुद्धा माझ्या सोबत आहे। वहीं उद्धव ने शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की तिकड़ी की तुलना अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान के एक विज्ञापन से कर दी। त्यातलीच एक जाहिरात आहे, ते तीन हीरो सगळे अजय देवगन, अक्षय कुमार आणि शाहरुख, ते तिघही येतात, दोन दोन बोट दाखवतात। आमच्याकडे सुद्धा तिघ जण बसलेले आहेत। उद्धव ने मराठा आरक्षण को समर्थन देते हुए शिंदे सरकार को आड़े हाथों लिया। उद्धव बोले, जनता जानती है कि जालना का जनरल डायर कौन है। स्वातंत्र्य लढ्याशी तर कदापि नव्हता, मराठवाडा मुक्ति संग्रामात त्यांचं कधी नाव ऐकलं नाही, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये सुद्धा ते नव्हते, पण केव्हा एकत्र आले होते? संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये ते आले होते, चळवळीत नव्हते, समितीत आले। कशासाठी आले? उद्धव ने शिंदे के साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूल्हा दुल्हन के बीच झगड़ा कराने में माहिर है। उद्धव ने पार्टी पर कब्जे को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई में उन्हें थप्पड़ मार रहा है, लेकिन शिंदे बेशर्मी से अपने गलत रुख पर कायम है। मोदी आणि भ्रष्टाचार, भाजप आणि भ्रष्टाचार, हा एक शिष्टाचार झालेला आहे। इससे पहले दिन में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर दोनों ही गुटों के बीच पोस्टर वॉर के जरिए शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला।
एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने मातोश्री के बाहर बाला साहिब के साथ शिंदे की होर्डिंग लगाकर असली शिव सैनिक बताया। उद्धव ठाकरे का जो घर है मातोश्री, उसके ठीक बाहर यानी कि कलानगर में स्थित, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो झंडे लगाए हुए हैं, साथ ही बहुत सारे बैनर्स लगाए हुए हैं। और ये जो झंडे और बैनर्स है वो एकनाथ शिंदे ग्रुप ने लगाए हैं। झंडों में भी आप देख सकते हो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को, जो ग्रुप को जो सिंबल मिला हुआ है, पार्टी का जो नाम मिला है वो है। साथ ही एकनाथ शिंदे का एक बहुत बड़ा बैनर भी लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं बाला साहेब ठाकरे के ठीक नीचे यानी कि उनकी छत्री छाया के ठीक नीचे एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं, आनंद दिख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज दिख रहे हैं, और हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो लेके यहाँ पर बैनर लगाए हुए हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर हमें एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं उद्धव के मुस्लिम समर्थकों ने मातोश्री के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि 2024 में नकली शिव सैनिकों का पर्दाफाश हो जाएगा। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।